तो एक दिन की बात है ना, दो लड़कियां स्कूटी पे फीडिंग कराने गई डॉग्स को, है ना। तो एक जगह वो रुकती है खाना देने के लिए, तो दो लड़के वहां से गुजरे, है ना। हमने नोटिस नहीं किया कि वो लड़कियों के पीछे किसके पीछे। दूसरी बार फिर वो वहां से निकले, फिर नहीं हमने नोटिस किया। हमने कहा यार इतने बड़ा एरिया कोई घूमने आया होगा। तीसरी बारी वो फिर पीछे आए, फिर भी हमें उस टाइम तक भी डाउट नहीं आया था क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी जगह पे रुक रहे थे ना। चौथी बारी क्या हुआ, जब वो खाना देने के लिए रुकी और वो स्कूटी पर थी, उनको नहीं पता था कि गाड़ी में पीछे मैं हूँ, ठीक है। और वो लड़के उनको फॉलो कर रहे, तो मैं दूर से देख रही है ना। मैंने फोर्थ टाइम में जब देखा कि मैंने कहा ये यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं, तो चलो जी मैं देखती रही उनको। उसके बाद ना मैंने वहां से मुड़ना था, तो मैं उन लड़कों को फॉलो कर रही थी कि किधर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लड़कियों ने आगे भी खाना देने जाना था। तो मैं दूर से खड़ी होके उन लड़कों को देखती हूँ, नोटिस करती। लड़के भी की मर जाने बंदे, है ना। एक ने तो कमीज भी नहीं पहन रखी और दारू से टुल, ठीक है। मैं दूर से देख रही हूँ, उनको लग रहा है कि नाजुक सी दो लड़कियां स्कूटी पे जा रही हैं, छेड़ छूट देंगे, क्या हो गया, है ना। तो उनको ये नहीं पता उनकी माँ भी पीछे आ रही है। तो चलो जी, वो मैं उनको देख रही हूँ, हराम ज्यादा उन लड़कियों के पीछे पीछे गए हैं। अगर तुम्हारे को दिल में खोट नहीं है, तुम वहीं से स्कूटी मोड़ मर लो, पांचवी बार तुम उनके पीछे गए हो, है ना। तो मैं भी फिर मैंने फॉलो करना शुरू किया, और वो स्कूटी लेके लिंक रोड होता है वहां पर, आपको पता लाइट्स वगैरह नहीं होती, तो वहां से वो जा रही है। तो मैं जैसे कुछ रात को अगर लेट हो जाता है तो मैं साथ ही रहती हूँ, तो मैं भी उनके पीछे पीछे जा रही हूँ। तो मैंने उन लड़कियों को बोला, मैं क्या, आप ना ध्यान रखना, अगर आपको कुछ भी बोले मेरे को बता देना, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। बट उनको नहीं पता कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। चलो जी, अपने वो टशन में जा रहे हैं, तो कुछ बोला उन्होंने, मैंने जाके आगे स्कूटी को रोका। मैंने कहा भाई स्कूटी रोक, मुझे देर से बात करनी है 2 मिनट। जैसे मैंने बोला कि भाई स्कूटी रोक, मुझे 2 मिनट बात करनी है ना, बात भी क्या करनी है, उनको ये बोलना है कि भाई ये लड़कियां तू देख तो ले वो काम क्या कर रही हैं, कट्टे में उन्होंने खाना डाला हुआ है, सड़क सड़क गली गली जाके डॉग्स को खाना दे रही है ना, तुम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, उनको ये नहीं बोल सकते कि बहन आप अच्छा काम कर रही हो, परवाह मत करना, हम आपके साथ ही हैं, आपकी मतलब आपको देख रहे हैं ना, कि कोई आपके साथ गलत ना करे। तुम हराम जदे खुद ही गलत करते हो। जैसे मैंने बोला स्कूटी रोक, उस कंजर ने तो स्कूटी 200 की स्पीड पे, मतलब गाड़ी सोचो 110 की स्पीड पे थी, स्कूटी कितने की स्पीड पे होगी, मतलब वो इतनी जोर से वहां से भागे हैं और मेरा तो और खून खोल गया। मैं इन हराम जादों को रोकना तो बनता है, तो मैंने उनको 2 बारी बोला, मैं कहा स्कूटी रोक ले सही रहेगा। उसने कंजर ने स्कूटी नहीं रोकी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एकदम से गाड़ी के जैसे साइड में मैंने गाड़ी खड़ी करनी थी, एकदम से उनको साइड लगी, वो रोड के ऊपर ही गिर गए। जब गिर गए तब तो फिर माफिया, माफ कर दो दीदी, हम नहीं छेड़ रहे थे, हम ये नहीं कर रहे थे, हम वो नहीं कर रहे थे, मतलब गिरते ही उन्होंने माफिया मांगनी शुरू कर दी, हम छेड़ नहीं रहे थे। मैं कहा भाई तुम्हारे दिल में कोई भी पाप नहीं था, पहली बात तो तुम पीछे क्यों आए, और दूसरी बात मैं कहा जब तुम्हें बोला कि रुको जो, तुम क्यों नहीं रुके, मतलब यही वो गंदे इंसान होते हैं, दारू तुमने दारू पी मर ली है, घर चले जाओ, घर बैठो, क्यों तुम सड़कों पे लड़कियों को छेड़। किसी की मजबूरी भी होती है, कई बार कोई ऑफिस से लेट है, किसी को कुछ ज्यादा काम है, किसी को कोई इमरजेंसी है, तुम जैसे कंजरों हरामियों के चक्कर में लड़कियां घर से निकल नहीं पाती, सेफ फील नहीं करती, वो छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे, मतलब जो इंसान रेप करता है क्या वो किसी का बाप नहीं होता, भाई नहीं होता, बेटा नहीं होता, पति नहीं होता, उसको नहीं पता लगता कि जो मैं कर रहा हूँ, क्या पता मेरे घर भी कल को ऐसा हो, मेरी बेटी के साथ कभी ऐसा हो, मेरी बहन के साथ ऐसा हो, मतलब क्यों लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं करते, क्यों सेफ फील नहीं कराते यार। मतलब मैंने उन लड़कों की ना वीडियो भी बनाई है ना, मैं इसलिए नहीं डालती, मुझे होता है यार वो क्या पता किसी के बाप है ना, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है, जब मैं उनको वायरल करूंगी वो क्या सोचेंगे, है ना। अगर एक बार ही किसी को फटकार लगने से अगर शर्म आ जाए, वो किसी लड़की की इज्जत करना सीख ले, तो इसके लिए उसके लिए वही बहुत बड़ी सीख है। और जब उनको चोट लगी ना, मेरे को हर्ट भी हो रहा कि बेचारों को चोट लग गई है, हाय बेचारे ये, है ना, तब तक वो माफिया मांग रहे हैं। और जैसे ही पुलिस आई ना भाई, उनके तो तेवर ही बदल गए, इन्होंने हमें धक्का दिया है, मतलब वो सब भूल गए कि हमने क्या गलती की है, हम क्यों स्कूटी भगा रहे थे। मतलब जब जब ऐसे लोगों से मेरा वाह पड़ता है ना, मतलब मेरी नफरत जो लोगों के लिए ना वो बहुत बढ़ती जा रही है। मतलब किसी को कोई लेना देना नहीं, आप सेवा कर रहे हो, आप बीमार बच्चों को उठा रहे हो, पैरालाइज्ड डॉग्स को, किसी को कोई मतलब नहीं, हर बंदे को अपना मतलब है, उसको लड़की छेड़नी है, किसी को क्या बोलना है, किसी को गंद बोलना है, किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब जैसे आपने ये पूरी मेरी बातें सुनी, आपको कैसा लगा कि वो लड़कों को हमने फोर्सफुली रोका, जिसकी वजह से वो गिरे, उनको चोट लगी, अगली बार वो किसी लड़की को छेड़ेंगे तो उनको याद रहेगा, है ना, हमने ऐसे किसी लड़की के पीछे नहीं जाना।
बीच बीच में मेरे को गिल्टी भी हो रही, हाई चोट क्यों लगी, मतलब आपके अकॉर्डिंग जो भी हुआ सब सही हुआ है? मतलब अच्छी बात है कि उनको चोट लगी या बुरी बात है? क्योंकि कई बार कुछ यादें ऐसी जुड़ जाती है ना किसी इंसिडेंट के साथ, अगली बार क्या पता वो किसी लड़की को छेड़े, है ना, उनको याद रहेगा यार पिछली बार वो लड़कियों ने मिलके हमें गिरा दिया था, हमें चोट लग गई थी, इस बार नहीं छेड़ना चाहिए, हमारे घर में भी बेटियां है ना, क्या पता लगता है? क्योंकि मेरे को ये फील होता है कि ये लड़के कुछ गंदे है ना, शराब पीते हैं, शराब पी के सड़कों पर ऐसी गंदे, मतलब पूरे कपड़े भी नहीं डालते, ब्लैने डाल के घूम रहे हैं, वही किसी लड़की को स्टॉक करते हैं दूर से, फिर वही उनकी फीलिंग्स खराब होती हैं, फिर उठा के ले जाते हैं, फिर रेप होते हैं, फिर न्यूज़ें छपती हैं, इंसाफ किसी को नहीं मिलता। इसलिए प्लीज अपने बच्चों को ना रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना सिखाया करो, है ना। छोटी उम्र में अगर उनको अच्छी सीख मिल जाएगी तो ये काम नहीं करेंगे, है ना। और दूसरी बात, जब कोई किसी डॉग को मार रहा है, कोई भी क्राइम कर रहा है, मतलब शुरुआत हो चुकी है, उसको वहीं रोकना चाहिए। आपके छोटे छोटे बच्चे भी जब डंडे लेके डॉग को मारते हैं, उनको रोका करो, उनको चोड़ में मत लाया करो, है ना, कि बेटा मार दे तो गंदा है। तुम अगर उनको छूट दे रहे हो ना, तुम जुर्म की शुरुआत तभी वहीं से कर रहे हो। इसलिए प्लीज अगर अपनी बेटी को बचाना है ना, तो अपने बेटे को सबसे पहले अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी।